नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे उदयपुर, जॉब फेयर में बेरोजगारों को लेटर और शहर को फ्लाईओवर की दी सौगात। रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में डोटासरा ने श्री माली को इशारों में पढ़ाया अनुशासन का पाठ। गहलोत के पास बैठे तो उद्बोधन रोककर डोटासरा ने खुद की सीट पर बैठने को कहा। दिल्ली गेट प्रयोगशाला पर वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र चौबीसा की खुल्लम खुल्ला राय, बोले खूबसूरती से पहले सुविधा जरूरी, प्रशासन को दोनों का ध्यान रखकर करना चाहिए काम। पारी के सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 20,000 की नकदी और जेवरात पर किया हाथ साफ। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मंच पर गहलोत के पास बैठे श्रीमाली और उन्हें उठने का इशारा कर अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले डोटासरा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय प्रवास पर गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। गहलोत ने सबसे पहले मेगा जॉब फेयर का अवलोकन किया और बेरोजगारों को जॉब लेटर देने के साथ फेयर में भाग लेने वाली कंपनियों को एम्प्लॉय का सम्मान भी किया। उसके बाद सीएम ने कुम्हारों का भट्टा और सेवाश्रम पर नव निर्मित ओवरब्रिज का लोकार्पण करते हुए उदयपुर को फ्लाईओवर के रूप में बड़ी सौगात दी। लोकार्पण के बाद गहलोत ने गांधी ग्राउंड पहुंचकर राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड पर चल रहे कार्यक्रम में मंच पर गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री अशोक चांदना के साथ कई नेता मौजूद थे। ऐसे में जब गोविंद सिंह डोटासरा उद्बोधन दे रहे थे, तब जगदीश राज श्रीमाली डोटासरा की सीट पर गहलोत के पास जाकर बैठ गए। जैसे ही डोटासरा की नजर उन पर पड़ी तो उद्बोधन को रोककर डोटासरा ने जगदीश राज श्रीमाली को तुरंत खुद की सीट पर बैठने का इशारा किया। डोटासरा के इशारे के बाद जगदीश राज श्रीमाली का मुंह उतर गया और वे फिर से अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मंच पर कांग्रेस की आपसी राजनीति और पद के लालच का यह दृश्य जॉब फेयर में आए लोगों के लिए भी चर्चा का विषय बना रहा। बाद में जब गहलोत मीडिया से रूबरू हुए तो पत्रकारों ने पहला ही सवाल ऐसा किया जिसे सुनकर गहलोत हैरान रह गए। सीएम प्रोटोकॉल के तहत हर बार मीडिया को रोके जाने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि मीडिया को मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है और अगर कोई अधिकारी ऐसा कर रहा है तो उसकी जांच करवाएंगे। हाल ही में जारी किए गए एसीबी द्वारा आरोपियों के फोटो नहीं जारी करने के फरमान पर गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे जयपुर पहुंचकर एक बार लेटर का रिव्यू करवाएंगे, अगर लेटर गलत हुआ तो उसे फिर से लिया जा सकता है। सीएम ने साफ किया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना के अनुसार लिया गया होगा, जिसमें ट्रैप होने वाले किसी भी व्यक्ति का चेहरा और नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन मीडिया के सवाल पर सीएम ने कहा कि जहां तक मुझे लगता है इसमें मीडिया को कोई रोक टोक नहीं रहेगी। सरकार भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकंजा कसती रहेगी। उन्होंने बलात्कारियों के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि मेरा बस चले तो मैं रैपिस्ट के बाल कटवाकर पूरे शहर में उनका जुलूस निकालूं और जनता के सामने बलात्कारियों का चेहरा सार्वजनिक तौर पर लेकर आऊं। ऐसे युवाओं के रोजगार के मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमको आने का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चांदना जी। आप यहां ऐसे युवाओं के रोजगार के मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमको आने का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चांदना जी। आप यहां आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं। उसमें पिछली बार क्या हुआ था कि वसुंधरा राजे जी के वक्त में बिल आ गया था कि मीडिया वाले कोई न्यूज नहीं छाप पाएंगे, इस तरह के जो पकड़े जाएंगे नियत उसका एक इश्यू बन गया था, ठीक है, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, आखिर वापस विड्रॉ करना पड़ा उनको। इस केस वो केस ऐसा है नहीं, मैंने देखा, मैं जयपुर जाके और देखूंगा इसको कि ये किस रूप में आदेश हुआ। जहाँ तक मुझे जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने फैसला दिया भाई कोई भी ऐसे केस के अंदर जब तक कि मतलब वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक इसको ऑफिशियली मत दो आप,
बाकी कोई पकड़ा जाता तो मालूम पड़ता है मीडिया वालों को, मालूम उसको मीडिया वाले फोटो देवे उसको क्या कहते हैं आप उनके खिलाफ एक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हर चीज़ में बहुत सेंसिटिव है, पेपर आउट होता है हम स्कूलों जहाँ पे पेपर ले जाते हैं मान्यता रद्द करते हैं, हम लोगों की बर्खास्त करते, नौकरी से बर्खास्त करते हैं। उसी प्रकार जितना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट राजस्थान में काम किया होगा हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा। अब उस पर कटारे साहब कहेंगे करप्शन बहुत हो रहा है, इसका मतलब छापे डाले नहीं हम लोग, ऐसे भी काम में नहीं कर रहे, करप्शन है ही नहीं इसका मतलब ये उल्टा चलते हैं लोग, इनकी बुद्धि उल्टी काम करती है। जो हम लोग छापे डाल रहे हैं बार 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 बार, उसकी तारीफ करने के बजाय छापे डालेंगे तो पकड़े जाएंगे, अंकुश लगेगा, उसको अप्रिशिएट करना कभी सीखा ही नहीं उन्होंने। साहब ये तो बहुत बड़ा बहुत करप्शन राजस्थान के अंदर है, जबकि हमने तो FIR से कंपलसरी कर दी राजस्थान के अंदर। उदयपुर में दिल्ली गेट चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के बाद शहरवासियों का विरोध बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि फ्री लेफ्ट टर्न और राउंड अबाउट के फॉर्मूले के लिए उदयपुर अभी तैयार नहीं है, फिलहाल लाल बत्ती वाली व्यवस्थाएं ही रखनी चाहिए। ऐसे में सूरजपुल चौराहे के लिए खुल्लम खुल्ला के कई एपिसोड लिखने वाले उदयपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र चौबीसा ने पल पल राजस्थान से हुई बातचीत में बताया कि प्रशासन ने दिल्ली गेट चौराहे को खूबसूरत बनाने के लिए आमजन को दुविधा में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए यह निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है, लेकिन खूबसूरती के लिए लोगों को असुविधा में नहीं डाला जा सकता। प्रशासन को सुविधा और खूबसूरती दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा जिससे शहरवासियों को परेशानी ना हो। प्रशासन द्वारा जो फव्वारे को तोड़ा गया है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अचानक कोई बदलाव करता है तो व्यापारियों और शहरवासियों को परेशानी होती है। कोई भी बदलाव करने से पहले प्रशासन को जनता से सुझाव लेने चाहिए। दिल्ली गेट चौराहे पर भी यही स्थिति हुई है। प्रशासन द्वारा आमजन से किसी तरह का कोई सुझाव नहीं लिया गया और अचानक बदलाव कर दिया गया। अब यही बदलाव शहरवासियों के लिए भारी पड़ रहा है। प्रशासन को खूबसूरती के साथ सुविधा पर भी ध्यान देना चाहिए। बतौर पत्रकार उनका मानना है कि चौराहे पर लाल बत्ती की व्यवस्था ही बेहतर है। जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था, फिर दोहराता हूँ कि भाई आपके सामने दो विकल्प हैं, एक तरफ खूबसूरती एक तरफ सुविधा है, तो आप पहले किसको चुनोगे? सुविधा को ही चुनोगे ना। सुविधा के अंदर भी खूबसूरती समाहित की जा सकती है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती के हिसाब से सुविधाओं को आप ताक में रख दो वो नहीं चलेगा। इसलिए सूरजपुर चौराहा इतना बड़ा बना दिया, आज उसको लेकर के जनता में इतना आक्रोश है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं क्योंकि अब वो बन चुका है। अगर बनाने से पहले अगर जनता की राय ले ली जाती तो मेरे ख्याल से आज सूरजपुर का ट्रैफिक न इतना बिगड़ता, न उसके प्रति लोगों में जन आक्रोश होता। दिल्ली गेट चौराहे को लेकर के जनता को अभी भी ये आशंका है कि भाई इसका भी हश्र कहीं सूरजपुर चौराहे जैसा नहीं हो जाए, तो इसलिए जनता इसके बदलाव का शुरू से विरोध कर रही है। कारण ये है कि आप जनता के अभी नहीं सुन रहे, ये अभी तक भी नहीं सुन रहे हैं। आपको चाहिए सबसे पहले बदलाव करने से पहले कि आप जनता की राय लें, इसमें मीडिया का नाम सबसे पहले हो, क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं उनको सब तरह का अनुभव होता है, वो हर जगह जाते हैं। दूसरा आम आदमी जो हमेशा उस चौराहे से गुजरता है, दूसरा आसपास के जो व्यापारी कि उनको सब पता है कि ट्रैफिक कहाँ जाम होता है, कहाँ रास्ता खोलना चाहिए, कहाँ चौड़ा करना चाहिए, कहाँ बंद करना चाहिए। तो बिना जनता के सुझाव लिए बिना जनता के राय जाने अगर आप चौराहे बनाओगे तो कभी सफल नहीं होगा, और आगे पीछे दुखी तो शहर की जनता को ही होना, शहर की जनता को ही परेशान होना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने दिल्ली गेट से लेकर के सूरजपुर तक एक भी कट वहाँ बाबूजार में जाने के लिए नहीं है, और वहाँ पे इधर शक्तिनगर से भी ट्रैफिक आता है तो मजबूरन लोगों को रोंग साइड आना पड़ता है, तो यहाँ पर भी आपको एक आधा कट खोलना चाहिए। अगर वहाँ कट खुलेगा तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। और दिल्ली गेट चौराहे पे तो मैं ये आपने मेरी राय जानी है तो इस पर जनता की राय लेनी ही चाहिए और लेना ही चाहिए। देखो ट्रैफिक तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लाल बत्ती से ट्रैफिक कंट्रोल होता है इसमें कोई दो राय नहीं। बिना लाल बत्ती के तो व्यक्ति जहाँ चाहेगा वहाँ घुस जाएगा, पीछे वाला स्पीड में है या आगे वाला धीरे है तो बेचारा वो आगे वाले के जाके भिड़ जाएगा। लाल बत्ती से पहले थोड़ी देर के लिए जाम लगेगा लेकिन ट्रैफिक उससे कंट्रोल होगा, तो लाल बत्ती तो दिल्ली गेट चौराहे पे होना ही चाहिए। मकराना में इन दिनों बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, पुलिस भी बदमाशों के आगे नतमस्तक नजर आ रही है।
नागौर जिले के मकराना शहर के माताभर रोड पर बुधवार देर शाम कुछ अज्ञात बदमाशों ने कार में जा रहे एक मार्बल व्यवसायी पर फायरिंग कर दी। व्यापारी पर की गई फायरिंग में एक गोली कार के पीछे नंबर प्लेट पर लगी। हालांकि इस हमले में व्यापारी बाल बाल बच गया, लेकिन हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से भागने में सफल रहे। इस घटना के बाद माताभर रोड निवासी व्यापारी भवरलाल किरडोलिया ने बुधवार रात मकराना पुलिस थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। भवरलाल ने पुलिस को बताया कि वह बुधवार शाम 5:45 पर बोरावर रोड स्थित अपनी फैक्ट्री से इनोवा कार में घर की तरफ जा रहा था। शाम करीब 6 बजे वह जैसे ही जाखली बाईपास चौराहा से निकला तो पीछे से किसी ने उसकी कार पर फायरिंग की, जिसकी आवाज सुनकर उसने साइड ग्लास में पीछे की तरफ देखा तो उसकी कार से 50 फीट की दूरी पर दूसरी कार चल रही थी, जिसमें से एक बदमाश ने एक और फायर किया, लेकिन गोली उसकी इनोवा कार के पीछे नंबर प्लेट की तरफ लगी। फायर की आवाज से व्यापारी डर गया और तुरंत अपने घर पर पहुंचा। इस दौरान पीछे चल रही गाड़ी माताभर रास्ते पर चली गई। उसने घर पहुंचकर गाड़ी के पीछे देखा तो नंबर प्लेट के पास गोली लगने से एक सुराख हो गया था। भवरलाल ने पुलिस को बताया कि अज्ञात बदमाशों ने उसे जान से मारने की नीयत से गाड़ी पर गोलियां चलाई। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर क्षेत्र में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पैसिफिक कॉलेज के क्रीड़ा मंडल के सानिध्य में पैसिफिक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ने मेवाड़ शूटिंग क्लब उदयपुर में निशानेबाजी खेल का सिलेक्शन ट्रायल करवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पैसिफिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के दवे, विशिष्ट अतिथि चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड डॉक्टर हेमंत कोठारी ने पिस्टल से फायर कर उद्घाटन किया और सभी निशानेबाजों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही डॉक्टर के एस व्यास निदेशक शिक्षा विभाग ने चयनित प्रतिभागियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। इस दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर व शूटिंग कोच जितेंद्र सिंह चुंडावत ने नए प्रतिभागी खिलाड़ियों को खेल के बारे में नवीन जानकारी प्रदान की। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम चाट सरदारपुरा पंचायत राजगढ़ की चारागाह भूमि पर सरपंच व अन्य लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने को लेकर सरदारपुरा के ग्रामीणों के साथ पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गत 4 तारीख को ग्राम चाट सरदारपुरा में अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। वहीं वर्तमान सरपंच पूजा बालोटिया सहित अन्य लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाए। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सरपंच और प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान सरपंच और पटवारी की मिलीभगत से लोगों के बने हुए मकानों को तोड़ा गया। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर प्रशासन 3 दिनों में तोड़े गए मकानों के पट्टे देकर आबादी घोषित की जाए और जाट सरदारपुरा को राजस्व में अलग किया जाए, अन्यथा सर्व समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम ग्राम पंचायत राजगढ़ के ग्राम चाट सरदारपुरा से कम 200-300 ग्रामीणों के साथ बस के साथ हम यहाँ SDM कार्यालय पहुंचे और यहाँ से हम कलेक्ट्रेट ऑफिस भी जाएंगे और अजमेर विकास प्राधिकरण ऑफिस के वहाँ भी जाएंगे। हमारे गांव में 20-30 मकानों को गिरा दिया गया, जबकि हम जन्म से वहाँ उस भूमि पर रह रहे हैं। चाट सरदारपुरा राजस्व रिकॉर्ड में एक है और ना वहाँ पे आबादी घोषित कर रखी है, तो हम जन्म से जिस जन्मभूमि में हम रह रहे हैं तो अब आबादी घोषित नहीं, तो वो चरागाह भूमि है तो उसका हम क्या करें। फिर भी व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मिलीभगत करते हुए हमारे को किसी को नोटिस नहीं दिया। 6 महीने पहले एक बार अवगत करवाया था 2-3 जनों को, और बावजूद नोटिस में जिनके नाम नहीं थे उनके भी मकान गिरा दिए गए। तो प्रशासन से मेरी ये मांग है कि जो जिस खसरे में सरपंच का मकान बना हुआ उसी खसरे में मेरा बना हुआ है और उसी खसरे में शिकायतकर्ता का मकान बना हुआ है और 10 कदम दूरी पे अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि है खसरा नंबर 1246, जिसमें शिकायतकर्ता भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भवानी खेड़ा के ओम प्रकाश रावत हैं। उन्होंने प्रशासन में भी अच्छी रसूखात रखते हैं और उच्च अधिकारियों से मीटिंग करवा के मंत्रियों से मंत्रणा करवा के ये कार्रवाई करवाई हमारे साथ प्रशासन के साथ, और 20 मकान गिर गए जिनके रहने के लिए छत नहीं बची है, बकरियां बांधने के लिए भाड़े नहीं बचे हैं, चारा वहीं रह गया, जिनके मकान वहीं बर्तन वहीं दब गए और आज त्रिपाल तान के लोगों ने रात गुजारी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात चोरों ने देवारी में वैशाली नगर के एक सुने मकान को निशाना बनाया और हजारों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। मकान मालिक विष्णु स्वरूप ओझा ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया है कि बुधवार को उनकी पत्नी बेटी से मिलने अहमदाबाद गई हुई थी और वे खुद मां को लेने चित्तौड़गढ़ के लिए निकले थे।
बुधवार को घर का दरवाजा लॉक किया और घर पर कोई नहीं था। देर रात चोर घर में घुसे और दरवाजे का ताला तोड़कर 20,000 की नकदी और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। सुबह जैसे ही घर आकर देखा तो घर के ताले टूटे हुए थे। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। कहते हैं इंसान कोई मायने नहीं रखता, अगर कुछ मायने रखता है तो उसका पद और सीट। जब लोग उच्च पदों पर आसीन होते हैं तो दुनिया उनको सलाम करती है, लेकिन इस कहावत को भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं पिसांगन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने गलत साबित कर दिया है। गोवनिया के रहने वाले एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने पिसांगन पंचायत समिति में प्रधान पद पर रहते हुए सादगी को नहीं छोड़ा और हमेशा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहे। उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए तथा निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा कर उनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुए, जिसका प्रमाण गुरुवार को उनके जन्मदिन पर उस समय देखने को मिला जब पुष्कर पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना करने के बाद वे ब्रह्मा घाट पहुंचे तो उनको जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए लोगों का तांता लग गया। उन्होंने अपना जन्म अपने शुभ चिंतकों और प्रशंसकों के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना उनके पुश्तैनी पंडित दीनदयाल पाराशर द्वारा करवाई। पुष्कर पहुंचने पर ब्रह्मा घाट पर स्थानीय पुरोहितों और उनके शुभचिंतकों व प्रशंसकों ने उनको माला और साफा पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वे खरेड़खड़ी रोड पर स्थित गौशाला में पहुंचे जहां उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाया। इस अवसर पर कैलाश रेनबो एडवोकेट एवं समाजसेवी महेंद्र सिंह रावत, विष्णु शर्मा, मधुसूदन सोनी, आशीष पाराशर, नेहरू पंडित, रासा सिंह रावत और ओम प्रकाश रावत सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज जो मेरे इस जन्मदिन के अवसर पर मैं जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी और तीर्थराज पुष्कर जो हमारे हिंदू समाज का विश्व गुरु है वहाँ मैं यहाँ आकर के और तीर्थ पुरोहितों से, ब्राह्मणों से, मेरे गुरुजनों से मैंने जो आशीर्वाद प्राप्त किया है और मैं इस पुष्कर राज की अजमेर, राजस्थान और देश में अमन चैन हो, खुशहाली हो, सब आपस में भाईचारे से रहे और सब में आपस में तरक्की करे, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे और पुष्कर विधानसभा में भी खुशहाली हो, इस प्रकार की मैंने आज दुग्धाभिषेक करके तीर्थराज जी में पूजा अर्चना करके ऐसी प्रार्थना की है और इस ब्रह्मा जी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें इस प्रकार की शक्ति प्रदान करें कि हम भी जन सेवा में लोगों के काम आवे, लोगों की भलाई करें। थावला कस्बे के बाईपास पर भेरुंदा चौराहे के पास बने राधा स्वामी सत्संग हॉल के सामने सड़क पर लंबे समय से गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। सड़क पर गड्ढों के चलते वहां कई चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आलम यह है कि इस मार्ग से निकलने वाले वाहन चालक इससे परेशान होकर कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, जिसके बाद इस सड़क पर काम भी किया गया लेकिन काम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली गई, जिसके चलते लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। इसी आक्रोश के चलते कस्बे के जागरूक नागरिक, समाजसेवी और गौरक्षा दल थावला के अध्यक्ष शैलेंद्र उपाध्याय ने स्थानीय लोगों के सहयोग से एक ट्रॉली कंक्रीट गड्ढों में डलवाकर लोगों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि हालांकि यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा लेकिन फिलहाल लोगों को इस मुसीबत से राहत मिलेगी। इसके लिए क्षेत्रवासियों ने उपाध्याय का आभार भी जताया। इस मौके पर पूनाराम नेहरा, राधेश्याम सिखवाल, कालू सिंह और सत्यनारायण शर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। ये वो जगह है जहां पर आज भी एक कार जो है अनियंत्रित होकर एक गड्ढे पर चढ़ गई है। हालांकि गणवित यह रहे कि इसके नीचे बड़ा सा पत्थर आने की वजह से ये कार आगे नहीं बढ़ पाई और बड़ा हादसा टल गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह को लेकर डोडियाना ग्रामवासी भी खूब परेशान है। इनकी मांग है, इन्होंने बार बार मांग की कि इस जगह पर सड़क हादसे होते रहते हैं तो यहाँ पर जंप बनना चाहिए। बैरिकेड तो वैसे लग ही गए हैं लेकिन रोड अवरोधक जो जंप होते हैं वो बनने चाहिए। ग्रामीणों की मांग को लेकर ये जाहिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और लोग जो है मौत के घाट उतर जाते हैं। इसी प्रकार के हादसे अभी कुछ दिन पहले भी हुए थे। ये वही पेड़ है जहाँ पर एक वर्द बैठा था और एक ट्रेलर ने उसकी जान ले ली। ये वही पेड़ है जिससे कुछ दिन पहले और भी हादसे हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा, बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा, ग्रामवासियों की एक विशेष मांग है कि यहाँ पर गति अवरोधक बनाया जाए। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाब सक्सेना व जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के मुख्य आतिथ्य में रिजर्व पुलिस लाइन परिसर पर स्थित एनिकट का उद्घाटन किया गया।
रिजर्व पुलिस लाइन परिसर राजसमंद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट योजना के तहत एक नियमित एनीकट का निर्माण किया गया, जिसका कलेक्टर व एसपी द्वारा उद्घाटन किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया, एनीकट में बरसात का पानी जल संग्रहित किया जाएगा, जिससे आसपास के पेयजल स्रोतों का जल स्तर बढ़ेगा, जो भविष्य में काफी कारगर साबित होगा। इस दौरान एएसपी शिवलाल बैरवा सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुष्कर में प्रदेश के 26 जिलों से आए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संस्था सहकार संघ और व्यवस्थापक यूनियन के सैकड़ों पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने कस्बे के माली मंदिर स्थित धर्मशाला में आयोजित किए गए कार्यक्रम में शिरकत की। सहकार संघ के जसवंत सिंह राणावत ने बताया कि लंबे अरसे से समितियों में स्थायी नियुक्ति और समान वेतन की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर अब सहकार संघ और व्यवस्थापक यूनियन एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांग मजबूती के साथ रखेगी। संघ से जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि सरकार कॉमन कैडर बनाकर समितियों के कर्मचारियों को दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह समान वेतन मान दे। जिस तरह सरकार संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्तियां दे रही है, उसी प्रकार लंबे अरसे से सहकारी समितियों में काम कर रहे कार्मिकों को त्रुटि रहित स्क्रीनिंग कर स्थायी नियुक्तियां दी जाए। सरकार की तरफ से पदाधिकारियों ने बताया कि समितियों में स्थायी नियुक्तियां आखिरी बार 1984 और 1985 में दी गई थी। लंबे अरसे से समितियों के कर्मचारी स्थायी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वर्ष 2009 और 2015 में सरकार की ओर से कर्मचारियों की स्क्रीनिंग भी की गई थी, लेकिन स्क्रीनिंग में त्रुटि होने के चलते कई कर्मचारी इसके लाभ से वंचित रह गए, जिन्हें फिर से स्क्रीनिंग कर स्थायी नियुक्तियां दिए जाने की मांग की गई। आज राजस्थान के समस्त सहकारी कर्मचारी संघ अपनी मांगों की पूर्ति हेतु एक मंच और एक मांग के उद्देश्य से पुष्कर की धरा में उपस्थित होकर के एकत्रित हुए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक मंच और एक मांग उसकी पूर्ति है। तो समस्त राजस्थान के लगभग 26 जिलों से व्यवस्थापक पधारे हुए हैं यहाँ पर और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। आपका नाम और पद? जसवंत सिंह राणावत, जिला सिरोही। कौन कौन इसमें आए मुख्य अतिथि? इसमें मुख्य रूप से लगभग 26 जिलों से पधारे हुए हैं हमारे साथी, जिसमें जालौर से हनुमान सिंह राजावत जी है, सिरोही से नरपत सिंह जी चारण है, नितेंद्र शर्मा जी है, ठीक है, हेमंत व्यास जी है, डीके शर्मा जी है। कितने दिन चलेगा ये एक दिवसीय प्रोग्राम है हमारा। चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे उदयपुर, जॉब फेयर में बेरोजगारों को लेटर और शहर को फ्लाईओवर की दी सौगात। रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में डोटासरा ने श्री माली को इशारों में पढ़ाया अनुशासन का पाठ। गहलोत के पास बैठे तो उद्बोधन रोककर डोटासरा ने खुद की सीट पर बैठने को कहा। दिल्ली गेट प्रयोगशाला पर वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र चौबीसा की खुल्लम खुल्ला राय, बोले खूबसूरती से पहले सुविधा जरूरी, प्रशासन को दोनों का ध्यान रखकर करना चाहिए काम। पारी के सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 20,000 की नकदी और जेवरात पर किया हाथ साफ। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए भावना व्यास को और प्रदेश की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। नमस्कार।